नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम सभी जब अपने बचपन के बारे में सोचते हैं तो हमारे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। क्यों आ जाती है मुस्कान? क्योंकि हम सब जानते हैं कि बचपन ही वो एज है जब हम सबसे ज़्यादा फ्री महसूस करते हैं। हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं होता, कोई बर्डन नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होता। हम फ्री होकर खेलते हैं, सोते हैं, खाते हैं, इंजॉय करते हैं। बहुत सारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो बचपन की एज है, 2 to 6 ईयर्स की जो एज है, इसी एज में हमारा दिमाग जो है 50% डेवलप हो जाता है। यही वो एज है जब बच्चे सीखने के लिए, फॉलो करने के लिए, कॉपी करने के लिए, इनफैक्ट खोज करने के लिए तैयार रहते हैं। आप देखिए, अब ये एज ऐसी है जब बच्चा हर चीज़ सीखने के लिए एक्टिव रहता है। उसके घर में जैसा माहौल होगा, आप जो भी उसके सामने करते हैं, बच्चा उसे देखकर सीखता है। जैसे आपने जो भाषा बोली, बच्चा आपकी भाषा को देखकर सुनकर सीखता है। तो ये वो इसकी एज है जब वो लर्न करता है चीज़ों को, क्या चीज़ कैसे हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके हाथ से कोई चीज़ गिरी और आपने उसे उठाकर उसकी जगह पे नहीं रखा, तो बच्चे ने एक बार देखा, दो बार देखा, तीसरी बार वो समझ जाता है कि चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, कोई चीज़ गिरे तो उसे उठाना कोई ज़रूरी नहीं है या ये मेरी ड्यूटी नहीं है। लेकिन अगर बड़ों ने कोई चीज़ उनसे गिरी और उसे उठाकर उसकी जगह पर रख दिया, तो बच्चा धीरे धीरे ये समझ जाता है कि कोई चीज़ गिरती है अगर मुझसे, या गलती से, या चाहे जैसे भी, तो उसे उठा के उसकी जगह पर रखना होता है। क्योंकि बच्चा अभी बहुत ही छोटा है तो वो किताब पढ़कर नहीं सीखता, वो अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखता है। दूसरी चीज़, इस समय बच्चा फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार रहता है। वो अपने फादर की तरह, अपने मदर की तरह, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह करना चाहता है कोई भी काम। जैसे जिस तरह से उसके फादर जेब में हाथ डाल के बैठते हैं, तो जेब में हाथ डाल के बैठना और मामा की कुछ एक्टिविटीज़ जिसको फॉलो करना, इनफैक्ट बच्चे कॉपी करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस समय। क्योंकि जो मदर फादर होते हैं वो उसकी पूरी दुनिया होते हैं और इस समय वो उन्हीं के टच में सबसे ज़्यादा होता है, तो हर चीज़ को कॉपी करने के लिए वो एकदम रेडी रहता है। वो मामा जहाँ जाएगी उनके पीछे पीछे जाएगा, और उसके अलावा मामा जो भी करेगी उसके साथ, अगर मामा झाड़ू पोछा कर रही है तो बच्चे इनफैक्ट पोछा भी करने लगते हैं। और एक और ख़ास बात जो इस एज की होती है, जो ज़्यादातर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, कि बच्चा इस समय अन्वेषक की तरह होता है। वो हर चीज़ को खोजता है, ये क्यों हो रहा है मामा, वो क्यों हो रहा है पापा, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। और आप देखे होंगे कि इसमें ये जो बच्चे की एज है वो इतनी ज़्यादा सवाल आपसे करता है, कभी कभी पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या क्या करें, मतलब उन्हें लगता है कि इतनी सारी जिम्मेदारी हमारी हो गई और ये भी करो वो भी करो। तो क्योंकि पेरेंट्स किसी बच्चे को दुनिया में लाते हैं तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो माँ बाप की है ही। और चौथी चीज़, इस समय बच्चा जो है अन्वेषक की तरह होता है, वो हर चीज़ को खोजता है, मतलब हर चीज़ को अपने हाथ से छू कर देखना चाहता है, छू कर समझना चाहता है कि ये क्या है, कैसा है। और आप देखे होंगे कि इस समय जब पेरेंट्स बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं तो बच्चे उससे ज़्यादातर तक खेलने की बजाय उसे खोल देते हैं, उसे खोल कर देखना चाहते हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, लाइट कैसे जल रही है, क्यों जल रही है। तो ये उनकी प्रवृत्ति होती है कि इस समय बच्चा अपने आप से खोजता है, हर सवाल का आंसर खोजने की कोशिश करता है, हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि जिसके बच्चे इस एज से बड़े हो गए उनका सीखना बंद हो जाएगा, ये कहीं नहीं बताया गया और कभी भी किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि सीखने की कोई उम्र होती है, हमेशा बच्चे सीखते रहते हैं। लेकिन जिन पेरेंट्स को अगर ये बात समझ में आ जाती है कि ये एज जो है बच्चे की सबसे इम्पॉर्टेंट एज है, आप देखते होंगे कई सारी वीडियो में दिखाया जाता है कि 2 से 3 साल के बच्चों को बाहर विदेशों में तैरना सिखाने लगते हैं या फिर एथलेटिक्स में डाल देते हैं, तो वो इस एज को समझते हैं कि ये एज सबसे ज़्यादा लर्न करने की कैपेसिटी रखता है और बॉडी भी फ्लेक्सिबल होती है, तो इस वजह से वहाँ पे इस तरह का ट्रेंड है। जैसे मान लीजिए मैं ये पौधा लेकर आई तो इसको धूप दिखाने की, इसमें पानी डालने की, इसमें खाद डालने की सारी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं इसे लाई हूँ तो मैं इसे पोषित करूँगी। उसी तरह पेरेंट्स की ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चे को किस तरह से पोषित करें, किस तरह से उसकी ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव माहौल बनाए अपने घर में, और क्या चीज़ उन्हें दिखाएं, क्या ना दिखाएं, क्या उनको बताएं, क्या ना बताएं। जैसे कि इस पौधे में अगर मैं पानी डालती हूँ तो ये इसके लिए ज़रूरी भी है और इसके पोषण के लिए इसकी रिक्वायरमेंट भी है। लेकिन अगर मैं इसमें नमक का पानी डाल दूँ या फिर इसमें एसिड डाल दूँ तो ये ख़राब हो जाएगा। ये उसी तरह अपने बच्चे को वही चीज़
आप उसे इंट्रोड्यूस कराएं जिसके लिए उसको अभी उसकी ज़रूरत हो, हर चीज़ को नहीं। जैसे कोई भी फैमिली में कुछ लोग या फिर कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि कुछ भी काम करते हैं या कुछ भी ऐसी मूवी वगैरह देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो बच्चा है, इसको क्या पता है, ये क्या समझेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब घर का माहौल पॉजिटिव रखेंगे या आप सही चीज़ें करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया कि कोई चीज़ गिरती है और आपने उसे उठा के रख दी तो बच्चा समझ जाता है कि इसको उठा के रखना होता है, उसी तरह आपकी एक्टिविटी को बच्चा हर समय ऑब्जर्व करता रहता है। तो ये वो जादुई एज है जब आप अपने बच्चे में सारी अच्छी चीज़ें जो उसके लिए आप लॉन्ग टर्म में उसके अंदर देखना चाहते हैं, जैसे कि सुबह उठना, डेली ब्रश करना, नहाना, इनफैक्ट सबसे प्यार से बात करना और कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से करना, तो आपको लग रहा होगा कि इतनी छोटी एज में बच्चा क्या ही कर लेगा और क्या। लेकिन फिर भी आप 5-6 साल तक अगर अच्छी चीज़ें अच्छे माहौल में बच्चा रहता है तो ये उसके लाइफ टाइम के लिए वर्क करती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार दें, वो किसी भी एज में हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आप जितना प्यार अपने बच्चे से करेंगे बच्चे को उतनी ही अपनी फैमिली अपनी दुनिया अच्छी लगेगी और वो दिन पर दिन अच्छा इंसान बनता जाएगा। आप उसे किसी भी कंडीशन में बांध कर प्यार ना दें या फिर ये ना सोचे कि अभी तो ये हम पे डिपेंड है, या फिर फॉर ग्रांटेड ना लें अपने बच्चे को कि वो तो हमसे प्यार करेगा ही क्योंकि हम उसके माँ बाप हैं, ऐसा कभी ना सोचें। और हर समय बच्चे को सही गाइडेंस और खूब सारा प्यार दें। नमस्कार।